भारतीय जनता पार्टी सदैव तैयार रहती है। पिछले 2018 के चुनाव में जो चूक, जो कमियां हमारी रही होंगी या जनता से जो चूक हुई, दोनों को इस बात का अफसोस रहा है। और उसी के कारण पहले दिन से ही हम 2023 के चुनाव के लिए तैयार थे, और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं। और इसलिए हर दिन कांग्रेस के कितने ही कुप्रयासों के बाद, 6 महीने पहले जो उन्होंने परसेप्शन बिगाड़ने की कोशिश की थी, उसको हम दुरुस्त करने में सफल हुए हैं। और कांग्रेस बेनकाब हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के पास में सिवाय लालच देने के दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है। कंपेयर करने के लिए उनके पास डेवलपमेंट का कोई प्लान नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारी गरीब कल्याण योजनाएँ, महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास राज्य की सरकार ने या केंद्र ने किए हैं, और जो हमारा 20 साल का रोड मैप है, ये हमारी बड़ी ताकत है। बहुत पक्के तौर पे कह रही है कि हम ही इलेक्शंस में जीतेंगे, तो क्या आपको जिस दृढ़ता से वो कह रही है, कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ जी का भी हाल ही में बयान आया था जिसमें उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को बोला था कि 2 दिसंबर को आना शपथ, कमलनाथ जी के शपथ समारोह पे, कैसे देखते हैं ऐसे वक्तव्य को? एक कूटनीतिक वाक्य, शाही शान से झूठ बोलना कूटनीति है। कांग्रेस हमेशा इसका उपयोग करती है। जहाँ तक सवाल उनके बेटे का है, परिवारवाद के खात्मे के लिए छिंदवाड़ा की जनता तैयार है, ये मैं 100% कहता हूँ। 2003 में जैसे हमने इस जिले में पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया किया था, 2023 में उसकी पुनरावृत्ति होगी। और जो उनके बेटे की आप बात कर रहे हैं, वो बेचारे को आंकड़े नहीं समझ में आते, उसको पर्ची जो दी जाती है वो पढ़ देता है। उसने चौराहे में एक पर्ची पढ़ी कि साहब बंटी पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, उसका टिकट कट गया, किसी और को मिल गई, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। ऐसे ये भी कोई गलत पर्ची बेचारे को पकड़ा दी गई होगी, वो आंकड़े का फर्क नहीं जानता कि 25 लाख होते हैं या 75 लाख होते हैं, और ऐसे वायरल होते रहते हैं। मुझे लगता है कि कमलनाथ को पहली बार परिवारवाद का ये दंश जो उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता को दिया है, ब्याज सहित जनता वसूलेगी। और मैं उनको थका हुआ नेता तो कहता ही हूँ, लेकिन इस जिले ने उनको 42 साल ढोया है। अब वो छल से हो, प्रपंच से हो, लालच से हो या भय से हो, मैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था तब से इस जिले में भय खत्म हुआ है। इस बार लालच और भ्रम दोनों समाप्त होंगे। सर, आपको लगता है अभी स्टेट में? ये कांग्रेस ने चलाने की कोशिश की थी, और जैसे ही उनकी पहली सूची आई, वो तो इतना दावा करते थे कि हम 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित कर देंगे, 32 दिन पहले कर पाए, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि भाजपा ने नहीं कहा लेकिन हमने 3 महीने पहले कर दिया। तो ये जो कांग्रेस है, इसके पास ना तो कॉडर है और ना कोई विजन है। परसेप्शन के आधार पर चुनाव लड़ने वाले लोग कभी भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते। एक और सवाल सर, कर्नाटक में कुछ मुद्दे कांग्रेस ने उठाए थे, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो और मतलब बेरोजगारी हो या अलग कई मुद्दे हो, करप्शन हो, वही मुद्दे वो मध्य प्रदेश में भी उठा रही है। आपको लगता उसका दुष्परिणाम हिमाचल की जनता भी भोग रही है और कर्नाटक की जनता भी भोग रही है? समय बहुत नहीं हुआ, और ये चीज़ें बाहर आती हैं। आप कह देते हो, जो आपके पास पैसा तो है नहीं, अब आप केंद्र से अपेक्षा करते हो कि ऐसे होगा। तो कुल मिलाकर ये मुफ्त की राजनीति का जो तरीका है कांग्रेस का, वो बेनकाब हो गया है। दूसरा, भ्रष्टाचार के मामले में यहाँ पर छिंदवाड़ा की एक परियोजना है जल